क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर एक बेंट वायर है, देखो अ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनवे कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एज शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फिगर शोन इन द फोर ऑप्शन क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट्स, क्वालिटेटिव मतलब समझते हो ना भाई, मतलब कुछ अपने को मेजरमेंट नहीं करना है, ठीक है, बस क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है, ज्यादा कम इस टाइप की चीज है, ठीक है। किस टाइप का दिखेगा उसका इमेज, किसका इमेज, शेप ऑफ द इमेज ऑफ द बेंड वायर, ठीक है। तो यहां पर वो अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी इमेज कैसी दिखेगी ये अपने को निकालना है। तो देखो भाई, अगर मैं इस इसकी बात करता हूं तो ये कहां पर है, ये कॉनकेव लेंथ, कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ के अंदर में है। अब आप लोगों को इतना तो याद होगा कि अपन जब शीशा देखते हैं तो वो कैसा होता है, हल्का सा कॉनकेव होता है, और हम लोग कहाँ पर खड़े हुए होते हैं उसके, ये मान लो शीशा है तो अपन लोग ऐसे खड़े होते हैं, जो शेविंग ग्लास शेविंग मिरर होता है ना, तो क्या होता है हमें फोटो उसकी ऐसी दिखती है, बिल्कुल सही बात है, मिरर के पीछे दिखती है भाई फोटो, शीशा देखते हो तो। अब वो भाई शेविंग मिरर कॉनकेव मिरर होता है ये हर कोई नहीं देखा होगा, अपने घरों में तो सिंपल प्लेन ग्लास लगे रहता है, पर अगर आपको अपने चेहरे को थोड़ा मैग्नीफाई करके शेव करना है तो आप क्या करोगे, कॉनकेव मिरर यूज करोगे, और कहाँ पर खड़े हो जाओगे, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है भाई, तभी आपको अपनी सीधी इमेज दिखाई देगी, इरेक्ट इमेज कहाँ पर, मिरर के पीछे। और अगर किसी को ये बात याद नहीं है तो इतना मिरर वाली बात अगर किसी को नहीं पता तो इतना तो पता होगा यार कि कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव मिरर में जब अपन इस रीजन में होते हैं तो हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलती है मिरर के पीछे। इतना भी नहीं पता तो क्या करोगे, रे डायग्राम बनाओ, ठीक है, जैसे सपोज करो ये इस पॉइंट की मैं क्या करूंगा, इमेज बनाऊंगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, एक रे ऐसे गई, सॉरी एक रे ऐसे गई, ठीक है, ये टकरा के कहां से पास होगी, फोकस, तो ये टकरा के कुछ ऐसे पास होगी, बिल्कुल सही बात है। दूसरी रे देखो भाई, ये तो हो गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, भेज दिया अपन, तो वो कहाँ से जाती है, फोकस से पास होती है। और एक और यहाँ पर जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है कहाँ पर, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जो रेज आती है वो एग्जैक्टली टकरा के वापस आ जाती है नॉर्मल, है ना। तो ये कैसा रे बनेगा भाई, देखो ये तो एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, अब सुनना रे कैसी बनेगी, रे कैसे बनेगी, मतलब लाइट जो रे डायग्राम है वो कैसे बनेगा कि लाइट ऐसे गई, यहां से टकराई, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और टकरा के ऐसे वापस आ गई, ठीक। तो अब ये दोनों साफ दिख रहा है कि डाइवर्ज हो रही है, तो दे आर नॉट गोइंग टू मीट, इसका मतलब इन लोग यहाँ ऐसे पीछे जाके कहीं पर मीट करेंगे, तो साफ दिख रहा है इसकी फोटो मतलब इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, तो ऐसी इमेज बनेगी इसकी, ठीक है। अब खास बात क्या है, देखो सारे ऑप्शन में ये जो डंडी है वो कॉमन है, तो इतनी एनालिसिस कोई काम नहीं आई, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो आप क्या करें, अब मैं काम करता हूं, एक यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, उसकी इमेज बनाने का ट्राई करता हूं, ठीक है। अब इसके लिए तो भाई, इसके लिए तो रे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, बाकी कोई, अब कुछ लोगों को जल्दी जल्दी इंट्यूशन आ जाते हैं, इमेजिनेशन हो जाता है, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो मेरे जैसे लोग हैं उन लोग देखें। यहां पर एक पॉइंट मान लो, फिर से क्या करेंगे अपन, इस पॉइंट से ऐसे लाइट को ले जाएंगे, और ये पॉइंट, ये जो रे है वो फोकस से टकरा के, सॉरी ऐसे फोकस तक जाएगी और फिर आगे बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। तो डायरेक्शन कैसा हुआ इसका, ऐसा और फिर ऐसा, तो एक रे तो ये रही, दूसरी रे फिर से सेंटर से पास कर देता हूँ, तो यहाँ ये ऐसे अगर जाएगी तो टकरा के वापस ऐसे करके आ जाएगी, ठीक, तो ये ऐसे निकल जाएगी। अब ये भी दिख रहा होगा लोगों को कि ये वाली जो रे है और ये वाली जो रे है वो भी डाइवर्जिंग है, ठीक है भाई, डाइवर्जिंग है, इसका मतलब कहाँ मिलेंगे इन लोग, यहाँ पीछे जाके कहीं पर, ठीक है। तो ये काफी दूर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है, तो इस पॉइंट की जो इमेज है वो यहाँ कहीं पर बन रही है, ठीक, इस पॉइंट की इमेज यहाँ कहीं पर बन रही है, जबकि इसकी इमेज यहाँ पर बनी थी, इस पूरे डंडे की इमेज ऐसी बनी थी, तो कैसा दिख रहा है, ये ऐसा कुछ डायग्राम दिखना चाहिए। अब हाँ, मैं ऑप्शन दिखाना भूल गया पहले, ऑप्शन देख के ही ज्यादा दिमाग चलता है, तो बी ऑप्शन में ये चीज अपने को दिखाई भी दे रही, ठीक है।
तो अब हाँ, अब मैं हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया होगा रे डायग्राम को, कुछ बच्चों को ऑब्वियस लग रहा होगा, पर हर बच्चे के लिए तो ऑब्वियस नहीं है, तो थोड़ा सा ज्यादा मैं खींच खींच के जला जला के पढ़ाता हूँ, यही मेरा स्टाइल है ना। चलो, थैंक यू।